Hello everyone, good morning. Today our period is craft and topic is origami paper hand. आज हम सीखेंगे कि क्राफ्ट पेपर के अंदर से पेपर हैंड कैसे बनती है. बराबर, तो स्टार्ट. हाउ टू मेक अ ओरिगामी पेपर हैंड. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है पेपर हैंड. बराबर, तो पेपर हैंड के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल कितना मटेरियल चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए वो. तो उसके लिए एक क्राफ्ट पेपर जो 15x15 सेंटीमीटर का होता है, वो बड़ा वाला एक क्राफ्ट पेपर जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पैकेट में जो आता है, वो एक येल्लो कलर का क्राफ्ट पेपर, एक स्मॉल वाला मीन्स 12x12 सेंटीमीटर का सेकेंड क्राफ्ट पेपर जो 12 सेंटीमीटर का है, उसमें भी येल्लो कलर हो तो अच्छा रहेगा. बराबर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हैंड कैसे बनाते हैं पेपर में से. उसके लिए स्क्वायर पेपर, हैंड के ऊपर की जो कलगी होती है ना, हम कलगी बोलते हैं उसे, उसके लिए रेड कलर का ऐसे कटिंग कर लेना है और उसकी आईज के लिए एक सर्कल. बराबर, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हैंड बनाना. तो सबसे पहले आपको ऐसे ट्राइंगल फोल्ड कर देना है. बराबर, ऐसे हमें ट्राइंगल फोल्ड करना है. देखो अच्छे से ऐसे ट्राइंगल शेप में उसको हम फोल्ड करेंगे. बराबर, देखो हमारा ट्राइंगल हो गया. अब सेंटर में जो लाइन बनती है वहाँ पे यहाँ अप साइड यहाँ पे फिंगर रखनी है और दोनों साइड से ऐसे हमें फोल्ड करना है ट्राइंगल शेप में ही. इतना हमारा हो गया दोनों साइड का ऐसे फोल्डिंग. अब हमें ऐसे उल्टा करके उसको यहाँ से देखो अब ऐसे सीधा कर देना है. बराबर, सीधा करके फिर नीचे की जो साइड है ऐसे उसको ऊपर तक लेके जाना है, जहाँ हमें कॉर्नर है वहां तक ऐसे लेके जाना है. और ऐसे कर देना है. अब क्या करना है देखो, इतना हमारा हो गया, समझ में आया. पहले ट्राइंगल, फिर ऐसे दोनों साइड फोल्ड, फिर उसको उल्टा कर देना है, फिर यहाँ से उसको ऐसे कर देना है कॉर्नर तक, बीच में से फोल्ड कर देना है. अब उसको यहाँ से ऐसे जो यहाँ पे दो पार्ट ओपन है ना, उसको सेंटर में से ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देना है. यहाँ पे इतना जो हमने बनाया, फिर उसको ऐसे सेंटर में से फोल्ड करना है. अब यहाँ पे जो हमारे दो पार्ट हमें मिले हैं, वन और टू, तो उसको यहाँ से पकड़ के आपको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में कर देना है. देखो ऐसे, फिर उसको यहाँ से पुश कर देना है, ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर देना है. तो देखो इतना हमारा हो गया. हमने यहाँ पे अब पहले ही बताया आपको, ऐसे ट्राइंगल को थोड़ा खींच के ऐसे साइड में क्रॉस करके पोस करके यहाँ पे उसे पोस करना है. बराबर, इतना हमारा हो गया. अब मतलब ये उसके पीछे के जो फेडर्स है वो बनेंगे. अब उसकी बीक बनानी है, तो बीक बनाने के लिए हमें यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है. बराबर, इतना फोल्ड हो गया. फिर उसके पीछे भी उसको भी वापस अपोजिट साइड ऐसे फोल्ड कर देना है. अब उसको ओपन करना है, फिर धीरे से पकड़ के ऐसे धीरे से देखो यहाँ से सेंटर में से उसको ऐसे फोल्ड करके आपको यहाँ पे उसकी बीक बनानी है, ऐसे फोल्ड कर देना है. समझ में आया, देखो अंदर से ऐसे फोल्ड कर देना है. तो उसकी बीक यहाँ पे बन गई. अब ऊपर जो रेड कटिंग हमने किया था उसकी, वो यहाँ पे ऐसे हम स्टिक करेंगे. बराबर, तो
देखो यहाँ पे फेविकॉल लगा देना है हमें कॉर्नर पे, यहाँ पे फेविकॉल लगा दिया हमने। फिर उसको यहाँ पे उसके जो बीक है उसके पीछे के साइड यहाँ पे उसको स्टिक कर देना है। देखो यहाँ पे स्टिक कर दिया, इतना हो गया। अब जो आईज हमने बनाई थी वो सर्कल बनाया था उसको भी यहाँ पे फेविकॉल लगा के हल्के हाथ से लाइट लाइट फेविकॉल, हम फेविस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ पे उसकी आईज में लगा देना है बराबर। और फिर उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से डॉट कर देना है। तो ऐसे हमारी हैंड रेडी होगी। देखो ऐसे हमारी हैंड रेडी हो गई। देखो आईज भी लगा दी और ऊपर का जो शेप होता है वो भी लगा दिया। तो हमें हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर कंटिन्यू पेज जहाँ पे हमने क्राफ्ट सब्जेक्ट फॉलो किया था वहाँ पे हमें ऐसे ही दो हैंड बना के स्टिक कर देना है बराबर। आपकी ड्राइंग बुक में आपने लास्ट पेज से स्टार्ट किया था बराबर, तो यहाँ पे आपको दो हैंड बनानी होगी। एक हैंड यहाँ पे स्टिक करनी है और दूसरी हैंड यहाँ पे 15x15 सेंटीमीटर का जो पेपर लिया था उससे बनी हुई हैंड, और यहाँ पे 12x12 सेंटीमीटर से बनी हुई जो पेपर हमने लिया था ना 12x12 सेंटीमीटर का उससे बनी हुई हैंड यहाँ पे स्टिक करेंगे बराबर। आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में से देख के आपको दोनों हैंड कंप्लीट करनी होगी बराबर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके थैंक यू।